आ मेरे हाथों च की है, आ देखो थद्दा। थद्दा किस चीज का है? इनू कहते ने फर्स्ट इनफॉर्मेशन रिपोर्ट, FIR। ओ FIR ने जड़िया किसी बंदे ने बंदे के खिलाफ नहीं, ओ ने जड़िया अमरीका अंबैसी ने दर्ज करवाइया ने उन्होंने लोगों से जोड़े अमरीका अंबैसी मूर्ख बनाना चाहते थे। कि ऐ नहीं मैं किसी बदनाम करना, मैं जागरूक करना, मैं तुहानू जागरूक करना है कि सोच समझ के करो जो भी करो, अमरीका अंबैसी नहीं बख्शदी। भाइयों च एक चीज कॉमन है, जिन्हें बंदियों के परचे दर्ज हुए है यह एजेंटा की सलाह से हुए। स्टूडेंट हो, जैनुअन टूरिस्ट हो, जैनुअन विजिटर हो, तो फिर तुम जाओ अमरीका अंबैसी जाओ, इंटरव्यू दो, वीजा लवो, मारो मौजा। पर जेकर एलिजिबिलिटी नहीं हैगी किसी भी एजेंट की सलाह च आके किसी चक्कर व्यू च ना फस जाना। फसे हुए बंदे ही है, मुकदमे च धारा दस देना कि लगती है। फिलहाल 420 IPC, 468 IPC, 471 IPC, 120 BIPC मार लियो सर्च अपने अपने गूगल के उत्ते, सारिया नॉन अवेलेबल है। तो इन्ह FIR के वड्डिया वड्डिया कंपनिया के नामों का जिक्र भी होया है। वर्ल्ड फॉर यू, ईजी वीजा, ओम ग्लोबल, तो गुजरात दिया कई होर कंपनी। लो जी, मैं निखिल शर्मा, दैनिक मेल पंजाबी टीवी जी को फिर तुहाडा स्वागत करता। फिर आ गया इमीग्रेशन नाल जुड़ी हुई जानकारी लैके। जदों तो मैं करदा जी चंगीआं गल्लां, इमीग्रेशन दे जिहड़े एक्सपर्ट हैगे ने उन्हां दी तारीफा करन आना वा, बहुत खुश हुंदे ने फिर तां। पर जदों कोई इहो जी गल करदा लोकां नूं सुचेत करन दी, ते कईआं नूं मरचा बहुत लगदियां ने। खैर लगी जाण, क्योंकि मेरा काम है किसी नूं टारगेट करना नहीं, मेरा काम हैगा वा सिर्फ और सिर्फ लोगों को जागरूक करना, उन्होंने दर्शकों को जागरूक करना जिहड़े कि विदेश आना चाहते हैं। सो जेकर कोई चंगा काम करता, चंगी गल करता, वह भी दसांगे। पर नैगेटिव चीज़ों तो सचेत करना मेरा काम है, वह मैं करते रहना। जिन्हों मर्चा लगदियां लगन, जिन्हों नहीं लगदियां ना लगन, जिहड़ा दुआवां देवे उहदा भी शुक्रिया, तो जिहड़ा गाला कढ़े उहदा भी शुक्रिया, कोई चक्कर नहीं हैगा, क्योंकि आपां साडा काम है लोगों को अपडेट करना। सो अज मैं आया, देखो हत्थां दे विच इक थद्दा लैके, थद्दा कहदा वा वह भी तुहानू मैं दसदा वा। सब तो पहले शुरुआत करदा जी कि दैनिक मेल पंजाबी टीवी तुहानू जागरूक करन वास्ते एक मुहिम छेड़न जा रहा है, एक आगाज करन जा रहा है, इहो जी मुहिम दा जिस दे जरिए तुहानू मैं जागरूक करांगा कि अपनी या अपने मापिआं दी पूंजी नू बचा लो। बाहर जाना पंजाबियों का सुपना है, पंजाब के ज़्यादातर जड़े यंग स्टूडेंट ने जाना चाहते हैं बाहर, कोई बुराई नहीं, जाओ पढ़ो लिखो, अपने मापिया का नाम उच्चा करो, पर तुहाडे इस सपने नू किते कोई कैश करन दी कोशिश तो नहीं कर रहा। तुहाडे इस सपने दे चलदे आ कोई तुहानू रगड़ा लाउण दा तां नहीं सोच रहा, तुहाडे मोढे ते बंदूक रख के कोई पैसे कमाण दी तो नहीं सोच रहा। पैसे कमाने एजेंटा का कम है, ठीक है, अपनी जिहड़ी मेहनत है वो लैनी चाहिए है, सब नूं मिलनी चाहिए है जिहड़ा भी बंदा मेहनत करता है, पर किते अपनी मेहनताने तो अलावा तुहानू कोई रगड़ा लाने की तैयारी तो नहीं करता। यह सारिया चीज़ों की अपडेट देने वास्ते अज मैं स्ट्रोंगली आया जी। क्यों आया? क्योंकि एजेंट भी एक नवा ट्रेंड जिहड़ा वा वह चला देंगे ने। सो पिछे जी ट्रेंड चलिया होया सीगा जी कैनेडा स्टडी वीजे का, UK स्टडी वीजे का चल पिया। फिर पिछे जी उस तो पहला जो शुरुआत हुई थी उदों भी UK तो शुरुआत हुई थी, UK की जो शुरुआत हुई थी बहुत एजेंट जिहड़े कि अज्ज दे वड्डे वड्डे एजेंट बने पे है ना, जिहड़े कि अपने आप नूं ब्रांड आईकोन समझदे ने इंडस्ट्री का, उन्होंने उत्ते भी मुकदमे दर्ज हुए थे, गिरफ़्तार भी हुए थे वो। पर कहंदे ने ना जी समय दे नाल नाल सब कुछ ठीक भी हो जाता है, मैनेज भी हो जाता है, ठीक है। यह भी जरूरी नहीं कि हर बंदा कसूरवार होवे, कई बार आटे दे नाल घुन भी रगड़िया जाता, हो सकता उदो आटे नाल घुन भी रगड़ा गया होवे, पर जिहड़ा घुन है घुन तां बचे, पर बाकी बंदे भी किते ना किते सिस्टम मैनेज करन च कामयाब हो जाते हैं। सो चलो वह अतीत दीआं गल्लां, अतीत तों की लैणा, अज दी गल करदे हां कि पंजाब सरकार ने भी एक नवा ट्रेंड लिया, लाइसेंस प्रक्रिया शुरू की, एजेंटा लाइसेंस देते। क्यों देते? कि लोगों ठगी ना हो। सो जे लाइसेंस होल्डर
ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਲਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਚਲੋ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, USA ਜਾਓ, USA ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ। ਕੋਈ USA ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ USA ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ USA ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਬੈਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ, ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ। ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਬੈਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਬੈਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਬਲੀਅਤ 'ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 1-on-1 ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਖੈਰ ਚਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਵੇਦਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਏਜੰਟ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਬੈਸੀ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਅੰਬੈਸੀ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਏਜੰਟ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ। ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਆਹ ਦੇਖੋ ਥੱਦਾ, ਥੱਦਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ, FIR। ਇਹ ਉਹ FIR-ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇਦਕ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਬੈਸੀ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਬੈਸੀ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਿ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਮੂਰਖ ਬਣਦੀਆਂ? ਮੂਰਖ ਤੁਸੀਂ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਈਓ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ, ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ। ਵੀਜ਼ਾ ਕੀ ਵਿਦ ਨਿਖਿਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀਓ। ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ FIR ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ, ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ FIR। ਕਿਉਂ? ਕੀ ਮਕਸਦ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦਾ? ਐ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੋ ਜੋ ਵੀ ਕਰੋ। ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਬੈਸੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੀ, ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੀ। ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਬੈਸੀ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਏਜੰਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣਨ 'ਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ, ਗਲਤ ਹੋ, ਝੂਠੇ ਹੋ, ਸੱਚੇ ਹੋ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਬੈਸੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿਓ। ਸੋ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਚਲੋ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। FIR ਤਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਿੱਕਤ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਏਜੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ FIR ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ FIR-ਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੋਮਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹੈ ਇਹ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ FIR ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕੀ ਝੂਠ, ਇਹ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ FIR-ਾਂ ਮਿਕਸ FIR ਕੱਢੀਆਂ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਕੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਬੈਸੀ ਨੇ ਜੋ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਬੈਸੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਫੇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਗਿਆ। ਚਨੱਕਿਆਪੁਰੀ ਥਾਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਸਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਬੱਚਾ? ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਏਜੰਟ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ FIR ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਏਜੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਣਦਾ ਵਾ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਫਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਮੇਰੇ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਫੋਕਸ ਸਿਰਫ FIR ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਫਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ। ਅਤੇ ਫਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਫਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟਾਂ ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਉਹ 'ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਫਲਾਣੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਲਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ
फलाने मुलाजम ने सलाह दिती। सो जड़ी गल है कि यह मुकदमे दर्ज होए, मुकदमे दर्ज कराए अमरीका अंबैसी ने, एक अद्धा नहीं कई मुकदमे ने, सारे की जानकारी कली कली एक्सप्लेन करा जी एफ आई आर एक एक दिन ला के, ठीक है जी। अगले हफ्ते तो तुहानू दसांगा जी कि किवें अमरीका अंबैसी स्मार्ट वर्क करती है, तो तुम अमरीका अंबैसी ना स्मार्टनैस ना दिखाओ, जेकर जैनुअन स्टूडेंट हो, जैनुअन टूरिस्ट हो, जैनुअन विजिटर हो, तो फिर तुम जाओ अमरीका अंबैसी, जाओ इंटरव्यू दो, वीज़ा लवो, मारो मौजा। पर जेकर एलिजिबिलिटी नहीं हैगी, किसी भी एजेंट की सलाह च आके किसी चक्करव्यू च ना फस जाना, यह फसे हुए बंदे ही है। मुकदमे च धारा दस देना कि लगती है, फिलहाल 420 IPC, 468 IPC, 471 IPC, 120 IPC मार लियो सर्च अपने अपने गूगल के उत्ते, सारिया नॉन अवेलेबल है। 6-6 महीने जमानत नहीं होंदिया जे इस ऑफेंस अरैसट हो जाए कोई बंदा, तो ये की एफ आई आर कहिंदिया ने फस्ट एज के उत्ते तुहानू एजेंट, एक एफ आई आर है जी, वह कहिंदा जी मैनू फंड लाने वास्ते एजेंट ने कहता जी, मैनू एजेंट ने कहता कि फंड ला दो, तो मैं फंड लाते जी, एजेंट के दफ्तर गया थी, फलानी कुड़ी मिली, उन्हें कहा फंड ला दो, फंड फेक, मतलब उन्हें कहा कि जो फंड नहीं लाओगे तो मेरा वीज़ा नहीं लगना, इस करके मैं फेक फंड लाते, यहोजी स्टेटमेंटा लोगों ने विच दित्तियां जिन्होंने उतों पढ़िया गया। फिर एक कहिंदा जी, वह कहिंदा मेरा फेक वर्क एक्सपीरियंस ला दो, एक कहिंदा फलाने बैंक की फेक स्टेटमेंट ला दो, एक ने तो लभ के देती, कोई फर्जी पत्रकार बन गया, सब कुछ होया एजेंटा की सलाह से इन्हों दस्तावेजा के मुताबिक, इस एफ आई आर के मुताबिक, कि सच है कि झूठ है यह तुम छोड़ो। पर जो फस्ट एज से फड़िया जाता ना, तो उदो अमेरिका वाले बड़े स्मार्ट ने, सारी जानकारी हासिल करते हैं, बड़िया कंपैक्ट जी एफ आई आर जड़ियाँ वै वो दर्ज करवाते हैं। सो इन्ह एफ आई आर व्डिया व्डिया कंपनिया के नामों का जिक्र भी होया है, यहोजी गल नहीं कि नामों का जिक्र नहीं होया, व्डिया व्डिया कंपनिया के नामों का जिक्र होया, वर्ल्ड फॉर यू, ईजी वीज़ा, ओम ग्लोबल, तो गुजरात दियाँ कई होर कंपनियां, पंजाब ते गुजरात के एजेंट ज़्यादातर लोगों पुठे रावां ते पाते ने इस एफ आई आर के मुताबिक। ऐ नहीं कि सारे एजेंट इदा करते हैं, जोड़े भी मतलब फरोश बंदे ने कुछ इदा करते हैं, सो उन्होंने को बच के रवो। तो हूँ तुहानू जांदे जांदे एक टिप दे दिंदा वा, बाकी उहदे बारे गल करूँगा मैं सोमवार को, I-20 बारे, कि फिलहाल स्टूडेंट वीज़े नू कैश कर रहे हैं एजेंट, स्टूडेंट वीज़े नू कैश कर रहे हैं, तो स्टूडेंट वीज़े दे विच सब तो वड्डी जरूरत होंदी है I-20, तो कितें तुहाडी I-20 420 तो नहीं, तुहाडी I-20 दी आर दे विच कितें तुहानू अंदर जाण दा जुगाड़ तो नहीं कोई करदा पिया। मैं नहीं कहिंदा सारे इदां करदे ने, पर तुहानू दसूंगा कि I-20 दे फरोड तो बचना है, तो किवें बचो, पैकेज सिस्टम दी आर दे विच जे किसे एजेंट दे हत्थे चढ़ गए ना, तो I-20 च फिर कुछ भी हो सकता। I-20 जे लैनी है तो की प्रोसैस है वह जैनुअन, वो बारे जानकारी देवगा तुम्हें अगली वीडियो के जुड़े रहो दैनिक मेल पंजाबी टीवी के नाल। तो फिर जाते हुए कह दिना कि जे किसी मर्चा लगदियाँ वै, तो वीर जी वह कोई हल नहीं, मेरा मकसद किसी को बदनाम करना नहीं है, मेरा मकसद है स्टूडेंट नूं जागरूक करना, मेरा मकसद है टूरिस्ट नूं जागरूक करना, मेरा मकसद है विजिटर नूं जागरूक करना। सो जुड़े रहो दैनिक मेल पंजाबी टीवी के नाल, तो जल्द ही करांगे कली कली एफ आई आर के खुलासे, पढ़ के दसांगे कि किवें यह मुकदमे दर्ज होए, कौन दोषी सी कौन नहीं, इसका फैसला तो आप नहीं कर सकते, पर जानकारी जरूर दे सकते हैं, क्योंकि जानकारी देना साडा फर्ज है। फिलहाल निखिल शर्मा नूं इजाजत दिओ, जुड़े रहो सोमवार तो रोज शामी 7 बजे दैनिक मेल पंजाबी टीवी दे नाल।